नमस्ते, मैं हूँ गार्गी। मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फूड्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परवल की सब्जी तो हम सभी अक्सर खाते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको परवल से एक डेजर्ट बनाना बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेजर्ट बनाने की। ये है परवल, देखिए ये, इसको मैंने ऊपर नीचे से कट करा है। इसको हम छील लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम इसको इस तरीके से बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद हमें इसमें से जो भी सीड्स हैं उनको हमें आउट करना होगा। इसमें हमें सीड्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हमें बहुत ध्यान से केयरफुली हमें ये काम करना होगा ताकि सारे सीड्स अच्छी तरह से बाहर हो जाएं। ये देखिए, इसमें से सारे सीड्स बाहर आ गए हैं और अब ये हॉलो हो चुका है। इसी तरह से सबको मैंने पील करके डीसीड्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसको मैं गरम करूँगी, बॉईल वाटर करेंगे हम, और उसमें हम इसको 4 to 5 मिनट्स तक हम बॉईल करेंगे ताकि इसका जो एक टेस्ट है वो निकल जाए इसमें से और हमारी मिठाई जो है वो बहुत टेस्टी बने। इसके लिए मैं इसको गरम पानी, मेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, उसमें मैं इसको डाल दूँगी। जब तक हमारे परवल बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं इसके लिए चाशनी तैयार करती हूँ। चाशनी के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी चीनी ली है, उसको मैं उतने ही कटोरी पानी के साथ बॉईल करूँगी। चीनी हमको मेल्ट होने देनी है। अब मैं इसके लिए स्टफिंग रेडी करूँगी। तो स्टफिंग के लिए मैंने अबाउट 1 बाउल मैंने इसमें खोवा लिया है जिसको हम फ्राई करेंगे। पैन में मैं खोवा डालती हूँ, इसको हम अच्छी तरीके से पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। ये खोवा मेरा फ्राई हो रहा है, तब तक हम देखते हैं कि हमारे परवल के क्या हाल हैं। देखिए इनका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ी देर हम इसको और बॉईल होने देते हैं, सिम क्लीन कर देंगे। और यहाँ देखिए मैं अपनी स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। देखिए मेरा खोवा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी अभी चेंज हो गया है, और जब ये भुन जाएगा तो इसमें से स्मेल भी आने लगेगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब मैं इस फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। और अब हम चलते हैं अपने परवल के पास, देखते हैं कि कितने पके हैं वो। देखिए हमको बस हल्का सा ही इनको करना है बॉईल। तो देखिए अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं इनको भी निकाल लूंगी फ्लेम ऑफ करके। इनको अच्छे से मैं पानी निकाल के इस पानी में से मैं निकाल लूँगी। ये आप बहुत केयरफुली करें क्योंकि पानी बहुत गर्म है तो जलने का भी डर हो सकता है। देखिए इतना सुंदर कलर आया इनका। खोवा भी हमारा रेडी। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। चीनी को मैंने पहले ही पीस लिया था और मैंने इसमें पीसते टाइम ही इसमें थोड़ी सी इलायची भी डाली थी। मैं बस एक छोटा चम्मच के करीब इसमें चीनी डालूंगी क्योंकि हमने चाशनी भी बनाई है जिसमें परवल पकेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इसमें हम थोड़ी चीनी मिलाएंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। क्या चीनी जो थी इसमें वो सभी मेल्ट हो चुकी है सारी चीनी। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही रखना है। इसी कंसिस्टेंसी में मैं इसमें जो परवल हमने पानी में बॉईल करे थे वो इसमें मैं डाल दूँगी। इनको मुझे इसमें अराउंड 5 मिनट्स तक कुक करना होगा ताकि अच्छे से शुगर सिरप को सोक कर लें। ये देखिए मैंने यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं, बहुत बारीक कटे हैं। इनमें से थोड़ा सा तो मैं इसमें अभी मिला दूँगी
और थोड़े से मैं गार्निशिंग के लिए छोड़ूंगी, वो हम स्टफिंग जब उसकी करेंगे तो ऊपर से उसमें डालेंगे, तो उससे वो उनका लुक बहुत अच्छा आएगा। देखिए परवल मेरे चाशनी में अच्छी तरीके से पक रहे हैं ये, और ये अच्छी तरीके से गल भी चुके हैं। अब मैं चाशनी चेक करूँगी कि एक तार की बनी है या नहीं। अगर एक तार की चाशनी हमारी रेडी है तो फिर हम इसमें से परवल को निकालेंगे। चाशनी चेक करने के लिए इसको हमें थोड़ा सा ठंडी चाशनी को अपनी फिंगर्स पे लेंगे और इस तरीके से देखेंगे, इसमें तार एक बन रहा है। अभी फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और परवल को भी हम चाशनी में से बाहर निकाल लेंगे, अच्छे से प्रेस करके निकालेंगे। इन्हें मैं थोड़ी सी देर ठंडा होने दूंगी ताकि स्टफिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। देखिए कितना अच्छा ग्लेज इन पर आ रहा है और शुगर भी इनमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है। परवल अभी थोड़े ठंडे हो चुके हैं तो मैं अब इनको फिलिंग करना शुरू करूँगी। फिलिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा पोर्शन खोवे का लूँगी और उसको थोड़ा ओवर शेप कर दूँगी और फिर उसको मैं इस तरीके से स्टफ कर दूँगी परवल के अंदर। इसी तरीके से मैं अपने सारे परवल में फिलिंग करूँगी। देखिए मैंने ये सारे परवल को स्टफ कर दिया है और अब इसकी मैं गार्निशिंग करूँगी। थोड़े थोड़े से ये हम सभी परवल पे लगाएंगे, इनसे ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे और टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे। देखिए अब ये हमारा डेजर्ट बनके बिल्कुल रेडी है और कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, और उतना ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। मैं चाहूँगी कि आप सभी इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको ये डेजर्ट कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।